बड़ी दीवारें बनाते हैं डर की वजह से। हमने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था, वरना कोई अपना देश, अपना परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डंकी के फाइनल डे वन के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, सलार के ओपनिंग डे के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, और बात करेंगे एनिमल के 20 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल के 20 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इसके लिए रोल में आपको दिखे थे रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल। तो बात करते हैं इसके पहले वीक की अगर इंडिया नेट कलेक्शन की, तो अपने इंडिया से पहले हफ्ते में 337 करोड़ 58 लाख की कमाई की थी। वहीं दूसरे हफ्ते की बात करें तो 140 करोड़ की कमाई की थी। वहीं अगर देखा जाए 20वें दिन का इंडिया नेट कलेक्शन की, तो 5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन सिर्फ इंडिया से कर रही है। वहीं बात करते हैं टोटल की, तो टोटल 528 करोड़ 70 लाख की कमाई कर चुकी है अपने इंडिया से। वहीं वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 858 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई कर चुकी है। तो आज से जो कि डंकी रिलीज होने वाला है, तो इसमें गिरावट आपको देखने को मिल सकता है थोड़ा सा। तो अब बात करते हैं डंकी के ओपनिंग डे के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। तो राजकुमार हिरानी द्वारा डायरेक्ट की जाने वाली डंकी, जिसके लीड रोल में आपको दिखने वाले हैं सुपरस्टार शाहरुख खान, तापसी पन्नू और विकी कौशल। तो बात करते हैं अभी तक जो कि 5,30,000 से भी ज़्यादा की टिकट सोल्ड कर चुकी है, जिससे कि अगर कलेक्शन की बात करें तो 15 करोड़ के आसपास का कलेक्शन अपने पहले दिन एडवांस बुकिंग से ही कर चुकी है। तो अब बात करते हैं सुपरस्टार प्रभास के ओपनिंग डे के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। तो ऑल इंडिया अगर देखा जाए तो अभी तक 14 लाख से ऊपर जो कि टिकट है वो सोल्ड कर चुकी है, और कलेक्शन की अगर बात करें तो अभी तक 28 करोड़ की कलेक्शन अपने एडवांस बुकिंग से ही कर चुकी है अपने पहले दिन के लिए। और अभी एक दिन और बाकी है, तो इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि सलार और डंकी में से अपने ओपनिंग डे कौन सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सलार बाजी मारने वाली है, क्योंकि अभी तक सलार का 28 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन हो चुका है अपने ओपनिंग डे एडवांस बुकिंग में, और एक दिन और बाकी है, तो इसका जो कि कलेक्शन है और हाई जाने वाला है। और डंकी सिर्फ हिंदी से ही में ही रिलीज हो रही है, और लैंग्वेज की बात करें तो और लैंग्वेज में नहीं रिलीज हो रही है। तो देखना होगा कि डंकी और सलार में से कौन सबसे ज़्यादा कलेक्शन कर पाती है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, धन्यवाद।